पाकिस्तान में मेरी मर्जी के बगैर अब कुछ नहीं कर सकता। हाथ पे ही करता है, हाथ लगाता है। पुलिस को बुलाऊंगा मैं। पुलिस? पुलिस को बुलाएगा? देखता हूँ तू मेरे राइट्स कैसे लेता है। जॉन, मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ। दीनी, जब तुम जाना चाहती थी तो मैंने समझी ना तुम्हारी बात, दी ना तुम्हें वो कमिटमेंट जो तुम्हें चाहिए थी। अब क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? जॉन, आई हैव टू गो। मिली, तुम तो लाहौर में। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मिनी, साइको, सिट डाउन यार, क्या हुआ है? मिनी रिलैक्स, मैंने तुम्हारी वजह से शहजाद अली, will you marry me? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब मेरे पैसे के पीछे। मतलब ही। और मैं? तुम सब। डीआईजी साहब, मैं कुछ नहीं जानता हूं। आप पैदा करे उम्मीद को। कहां चला गया मेरा भाई? जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कहां गया वो? हां, खड़े आपके पुलिस वाले भाई मेरे घर के, तोंदे निकाल के अपनी। मुफ्त की चाय पीने के अलावा आता क्या इनको? काम करे आप अपना, बस समझ आइए। अरे यार रिलैक्स कर, मैंने ऊपर कहलवाया है, पूरा शहर से उम्मीद को ढूंढ रहा है। कोई नहीं ढूंढ रहा उम्मीद को, और ये पुलिस वाले ढूंढेंगे उसको। इनके आगे मोबाइल छीन के लोग चले जाते हैं, उनको नहीं पकड़ सकते, उम्मीद को क्या ढूंढेंगे ये? ये हमारे गार्ड साहब पता नहीं कौन सा नशा करके सोते, क्या कर रहे थे तुम लोग? हम रोटी में थे, दो मिनट लिए, उसमें खाना गए। जाओ दूसरा खाने, दोबारा बैठो भाई। ऐसे कैसे गायब हो सकता है मेरा भाई? यार यार अली, दिमाग पे जोर डालो। तुम ओमी से आखिरी बार किस टाइम पे मिले थे? पता नहीं यार, भाई से लेट आया था, हम लोग स्टूडियो में बैठे थे, फिर पता नहीं। तो फिर कहाँ गया वो? ये अगर मुझे पता होता तो मैं खुद जाके ले आता ना उसे। किस किस्म के सवाल पूछो तुम? यार अली काम डाउन, सोचने की कोशिश करो कि तुमने उम्मीद से आखिरी बात क्या की थी। पता नहीं, याद नहीं है मुझे। अबे कल रात की तो बात है, तुम्हें याद कैसे नहीं है? बस नहीं याद है। अब तुम ज्यादा पुलिस वाले मत बनो। अली मैं इधर देखो, तुम रात को होश में थे? हाँ शायद। मतलब? मतलब समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अली तुमने उम्मीद को कुछ कह तो नहीं दिया? मुझे नहीं पता,
यार तुम किस किस्म के आदमी हो? पूरे शहर में तुमने शोर डाला हुआ है कि ओमी का है और तुम्हें नहीं पता तुमने उसको क्या बोला है। शेजी प्लीज, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो बोला दरवाजा जाओ। एसपी साहब, ओमी का पता चला कुछ? हमने पूरे शहर में वायरलेस करवा दिया है, इंशाल्लाह ओमी का कुछ देर में पता चल जाएगा। आप लोग तो बस इंशाल्लाह और माशाल्लाह बोलते रहे। एसपी साहब, कोई ऐसी चीज है जिसमें हम आपको कुछ बता दें ताकि आप हमारी हेल्प कर सके? देखिए, कोई भी यकीन से ये नहीं कह सकता कि ये किडनैपिंग का केस है या फिर क्या क्या कहना चाहते हो तुम? कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आजकल बच्चे छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं, ऐसे भाग जाते हैं। भागे? क्या क्या कहा आप कह रहे? 8 साल का बच्चा, दोबारा सुनो, 8 साल का बच्चा घर से भाग गया? देखिए, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे केसेस में अमूमन किडनैपर्स कुछ ही देर में कॉल कर देते हैं। ओ भाई, ये देखें आप, ये देखें आप, जाए नीचे और अपने पुलिस वालों के साथ बैठ के चाय पिए। एक सेकंड, इधर देख, इस वक्त लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव ना कर, हमें हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है। जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने हमारे लिए बेहतर है, समझने की कोशिश करो, वी नीड हेल्प। जितने लोग हेल्प करेंगे उतना बेहतर होगा भाई, थोड़ा रिलैक्स कर, वी विल सॉर्ट दिस आउट यार, टेक इट इजी, रिलैक्स करो। वहां से कुछ पता चला? अरे शशि, क्या हुआ? मुझे अभी पता चला, मैंने फेसबुक पे देखा। फेसबुक पे? मैं यहाँ सुबह से प्रेस वालों को कहानियां दे रहा हूँ कि किसी को पता ना चले, वहाँ किसी ने फेसबुक पे स्टेटस रख दिया है, वाह फेसबुक। ओमी गया कहाँ? ये पीछे क्रिकेट खेल रहा है, हम तो यहाँ ऐसी मजाक कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ। इसका मीटर घुमा वैसे बात ना करो। अली, मुझे पता है तुम बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, बट हम सब परेशान हैं, मिल जाएगा इंशाल्लाह। ओमी सर, ये ओमी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बहुत एक्सट्रीम है। अगर उसको किसी ने उठा भी लिया होगा ना, तो वो खुद आदमी से परेशान हो जाएगा। पता नहीं, अभी तक तो एक मून लैंडिंग की बात कर रहा था यार। कितनी दफा बताया कि लोगों की बेइज्जतियां करने से तुम्हारा काम हल नहीं हो जाएगा, ये लोग तुम्हारे लिए सिर्फ फिक्रमंद है यार। फिक्रमंद है? सारी फिक्र देख ली थी मैंने इनकी, जब मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी ना, ये लोग अपने मुंह मोड़ लेते थे, और अब आज जो मेरे पास पैसा है तो पीछे आ रहे, फिक्रमंद हो रहे। हाँ, लेकिन अली, इस वक्त रिश्तेदारों को और पुलिस वालों को सुनाने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, इस वक्त फोकस करो ओमी पर यार। आप जब सो रहे थे मैंने टाइम ले लिया था। एक्चुअली सर, कब? मैं भी साथ चलूंगा। सर ये? हाँ चली गई थी यार, चलिए, उसके पेरेंट्स के बाबा फोन आ रहे थे, आती उठ गए सर। नहीं ठीक है, उसको बोलो रेस्ट करे, आके क्या कर लेगी यार। अली, वैसे अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो यार, तुमने ओमी से आखिरी बात क्या की थी? पता नहीं यार, मैं घर आया था, थोड़ा खाया था, शायद थोड़ी डांट डपट कर। डांट डपट? वो भी ओमी के साथ? हाँ भाई, कभी कभार ऊंची आवाज में बात कर सकता हूँ मैं। क्या कहा तुमने ओमी को? सही तरह याद नहीं है यार। देखो अली, मैं सीधी सीधी तुमसे बात करूंगा, ये घर के अंदर से किडनैप विडनैप होने वाला सिस्टम ना, ये मुझे समझ नहीं आता। मुझे पता है ओमी इस घर से ही किया है, और तुमसे कोई नाराज नाराज हो गई है। शेजी तुम भी है, मुझे कसूर ठहराना है? हाँ, तुम्हें बुरा लगता है तो लगे भाई, मेरे जो दिल में वो मैं बोलूंगा। क्या तुम्हारे दिल में?
और ये सब लोग मुझे क्यों कसूरवार ठहराने के पीछे तुले हुए? क्या किया मैंने? ये तो तुम बताओगे ना। कुछ नहीं किया मैंने। हाँ शायद कुछ कह दिया हूँ मैंने। क्या कहा तुमने उसको? मुझे नहीं याद, लेकिन जो भी मैंने कहा था वो मैंने शायद दिल पे ले लिया। तुम्हें पता है वो किडनैप नहीं हुआ और तुम पुलिस वालों को सुबह से सुना रहे हो? Nobody knows for sure, और उन्हें किडनैपिंग ही समझ लिया तो वरना ढूंढेंगे नहीं। ओए, उठ ओए, ओ भाई उठ भाई, ओ भाई उठ, उठ, यहाँ कहाँ सो रहा है भाई? ओए, हल्के हो जाओ, आज ना मुझे हाथ नहीं लगाना। ओ भाई ये कोई सोने वोने की जगह नहीं है भाई, उठ भाई उठ। यहाँ तो कोई बोर्ड नहीं नजर आ रहा। बोर्ड वोर्ड कोई नहीं है, लेकिन ये कोई सोने ही होने की जगह नहीं है भाई, उठ यार। तो एक ही बात कितनी दफा बोलते हो? एक ही बात? ओ भाई तू उठ यहाँ से यार, साहब ने देख लिया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये कोई सोने वोने की जगह नहीं है यार, तू उठ यार। तुम्हें नौकरी कहाँ से मिली? मामू ने दिलवाई थी, तू क्यों पूछ रहे है भाई? शक्ल से पावाज रखते हो, जीरो टैलेंट। ओ भाई चाहिए क्या है, तू ये सोने वोने की जगह नहीं है भाई, तू जा यहाँ से यार, ये कस्टमरों की जगह है, ये यहाँ पे काम करते हैं हम, कस्टमर बैठते हैं यहाँ पे। तुम क्या डीएचए में हो? डीएचए वीएचए मेरे को नहीं पता भाई, ये कस्टमर बैठते हैं यहाँ पे, बस हम कस्टमरों को बिठाते हैं यहाँ पे। ये पाकिस्तानियों को हर बात में मसला क्यों होता है? हंसोना सांस ना लो, इधर ना सो उधर ना सो, इधर ना खड़े हो उधर ना खड़े हो, तुम्हें क्या पेट में गुड़गुड़ हो रही है अगर मैं सो रहा हूँ? ओ नहीं भाई, ये कस्टमरों के बैठने की जगह है यार। तू ना मैं कस्टमर। क्या चाहिए भाई तुझे? कस्टमर कहाँ का कस्टमर, पैसे वैसे हैं क्या तुमसे ज्यादा? जाओ मेरी दूध पत्ती लाओ। दूध पत्ती क्या, अंडा भी ले आऊंगा, पैसे तो दिखा पहले। ये बात है ना, जाओ। साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया सर? ये पहले मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा था। सॉरी 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 सर, क्या चाहिए क्या सर आप? दूध पत्ती कड़क। लाता हूँ साहब, अभी आया, एक मिनट में आया साहब। आ गया ना लाइन पे, मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बने। रजी क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ कुछ तो पता चला है। क्या मतलब क्या पता चला? ये पता चला है कि ओमी किडनैप नहीं हुआ है। किडनैप नहीं हुआ, क्या मतलब इस बात का, मैं समझी नहीं। ये जो अली साहब है ना, ये रात को लगा के आए थे और इन्होंने नशे में ओमी को डांट डपट कर दी। बस तुम्हें पता हो कैसा बच्चा है, चला गया नाराज होके वो। शेजी प्लीज, कभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। ओह चुप करो, तुम्हें तो याद भी नहीं तुमने क्या बोला था उसको। तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो अली? तुम भी शुरू, मैं अपने छोटे भाई को डांट भी नहीं सकता क्या? हाँ डांट सकते हो, बट उस वक्त नहीं जब गलती तुम्हारी अपनी हो। अली चलो मेरे साथ। कहाँ? यार ओमी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा, पैसे कितने थे उसके पास? पता नहीं यार, किसी टैक्सी वाले को अपनी बातों में फुसला के चला गया होगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट हायर वो निकल गया होगा अमेरिका नीनी के पास, और वहां पे उसने जॉब भी ले ली होगी पेट्रोल पंप पे। नीनी का तो बहुत हाल खराब होगा। देखो मैंने नीनी को कुछ नहीं बताया, तुम भी कुछ नहीं कहना, खामा खामा परेशान होगी। अरे नहीं बताया, कैसे भाई हो तुम? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो खामा खा परेशान हो जाएगी। थोड़े बहुत तो रखता था अपने वॉलेट में। मैं तो ये परेशान हो रहा हूँ मेरे भाई ने कुछ खाया भी है कि नहीं। सर सब ठीक है ना? इससे थी निहारी को मैं खुद बना लेता हूँ। आप निहारी बना लेते हो? हाँ और भी बहुत कुछ बना लेता हूँ। क्या क्या बना लेते हो? सारी रेसिपी तुझे बता दूँ? मुझे मोटा आता है ना कुकिंग चैनल पे डांस करते हुए, उससे सीख लेना। ठीक है सही। वैसे एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं माने तो, माइंड नहीं करे तो? बिल्कुल माइंड करेंगे, जाओ मेरी दूध पत्ती लाओ। हाँ लाता हूँ वो। आपका नाम क्या है वैसे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लिखते हैं, नाम है ओमी। वाह वाह सर, क्या डायलॉग बोला अमिताभ सर की तरह बिल्कुल। ये अमिताभ कौन है, ये मेरा अपना डायलॉग है, और सुनेगा? हाँ सुनाओ सुनाओ। हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं।
हसोना आगे और नहीं है क्या? अच्छा खासा जोक खराब कर दिया, जाओ। जाता हूँ। वो वैसे आप यहाँ अकेले इस टाइम इस ढाबे पे? आपके अम्मा अप्पा कहाँ हैं? तुम्हारे कहाँ हैं? मेरे तो घर पे हैं, सो रहे होंगे। वैसे सारे घर का खर्चा मैं ही चलाता हूँ, वो तो बस सोते हैं और रोटियाँ तोड़ते हैं। और समझ लो मेरे अम्मी अबू हमेशा मेरे साथ हैं। कहाँ गाड़ी वाड़ी में है क्या? नहीं, ऊपर। अली ने कहा था कि उन्होंने एक मैसेज दिया था मरने से पहले कि जब भी हमारी याद आए ऊपर दो सितारों को देख लेना और सोच लेना कि वो दो हम हैं। ये वैसे ये अली कौन है? कोई नहीं है, जाओ दूध पत्ती लाओ। जाता हूँ साहब। और हाँ, मीठे में क्या है? जो 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 बोलो साहब। जामली कर तो फ्रूटी लेके आओ फौरन। लाया साहब, अभी लाया। पढ़ लो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अभी लाया सर, अभी लाया, बस एक मिनट में लाया बस। इनएफिशिएंट पीपल। भाई को बंदी ने येलो कार्ड दिखा दिया और चली गई ग्रीन कार्ड लेने। छोड़ना यार। क्यों? दुख हो रहा है? देख यार ये प्यार व्यार ना ये अपने टाइप के लोगों को सूट नहीं करता, और वैसे भी लड़की के चक्कर में पड़ेगा ना तो मुंह के बल गिरेगा। मैं अच्छा दोस्त है, तू एडवाइस चाहिए होगी ना तो मांग लूंगा। अभी कुछ खाने को मंगा, भूख लग रही है, दो दिन से कुछ नहीं खाया। इतना कम अच्छा नहीं है, और वैसे भी वो तुझसे रोज पूछती रहती थी मैं रुक जाऊँ, तू ही उसे घास ही डालता था। मैं तो घास डाली तो कौन सा तीर मार लिया, उस वक्त बहुत लेट हो चुका था। और इन लड़कियों के बारे में ना एक चीज याद रख, ये लड़कियां होती है ना। तो अपनी शक्ल देखी तूने? कभी कोई लड़की पास से भी नहीं गुजरी होगी तेरे। तू बात करने जाए तो अपना बैग पकड़ा देगी तुझे, डकैत शक्ल। यो ही ना बात, ये हुआ पुराना वाला जॉन बार। गम निकाल, वह पूरी खाते। वेटर जी साहब, क्या चलेगा साहब? पूछ तो ऐसे रहे जैसे बियरिया विस्की चल रही है। अंडा कुटाला ले पराठों के साथ। क्या बात है, चीफ की बेइज्जती करने की ठान रखी है सबने क्या? चीफ कौन है बे? मैं हूं के नहीं चीफ, क्या देख रहे हैं भाई? लग रहा है भाई। और किसने बेइज्जती कर दी तेरी आज? अरे साहब क्या बताऊं, पीछे एक लंबड़ा सो रहा है, मैंने गरीब समझ के जगाया उसको, ये 6 गज की लंबी जबान निकली लंबड़े की। होगा कोई बड़े बाप की औलाद? क्या बड़े बाप की औलाद यहाँ नहीं आती, यहाँ सिर्फ हमारे तुम्हारे ऐसे आते हैं। अरे नहीं साहब, है कोई अच्छे घर के ही, लगता है माँ बाप गुजर गए लंबड़े के। अबे चीफ और डिप्रेस नहीं कर यार, चाय पिला दे, सर में बहुत दर्द हो रही है। लाता हूँ साहब, लाता हूँ। एक सब्जी लगा, एक चना लगा। तू बैठ भाई, मैं हाथ धो के आता हूँ। जल्दी जा। तुम्हारे लिए फिक्र मरते हैं।
अब मैं भी नहीं जाना था इसको जाना था ना उठ के शॉट में ये गया नहीं ये भूल जाता है ये आप लोगों ने रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाम है शेरशाह वगैरह ना सब ठीक है ना इस्लामाबाद में सब ठीक है ना इस्लामाबाद में फेसबुक पे Facebook क्या कर रहा है यार लाओ इधर आ बार बार आ ले ले रे इधर देखो मैं हूं यार मैं सिंगल मैंने इसलिए शॉर्ट है बताओ तो सही